Welcome to my channel. This is Sam. I'm playing Lies of Motherfucking P. These are two different swords. Use this one, but साइड जाता हूँ मैं बार बार आई नो माई वे अराउंड अ वेब ये हिडन मॉन्स्टर्स हो गए कर लेता, लेकिन मैं हार्पून स्टोन बचा रहा हूँ भाई। जो सोर्ड मिलने वाला है उसके लिए मेरे को डबल ड्रैगन सोर्ड उसको अपग्रेड करना है, उसी को लेकर गेम को ख़त्म करना है। इसीलिए तो उस हार्पून स्टोन आई एम नॉट यूजिंग हाफ एनी ऑफ द हार्पून स्टोन्स आई हैव। मेबी आई कैन अपग्रेड दिस वन। नाउ आई नीड फुल मून स्टोन ऑफ द कोवेनेंट। ये वाला बाहर नहीं, दूसरा वाला बाहर। दोस्त लोग सारा दिमाग खराब कर देता है, टाइम का कोई वैल्यू नहीं है उन लोगों के पास। साढ़े बारह मतलब साढ़े बारह होना चाहिए ना, साढ़े बारह मतलब एक डेढ़ नहीं होना चाहिए, और हो रहा है तो तुम कुछ गलत कर रहे हो भाई, तुमसे ना हो पाएगा। अच्छा क्वार्ट्स भी तो है ना हम लोगों के पास। इसको हटा देता हूँ, इसको रखता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। ये फास्ट स्टेप के लिए अच्छा है, ठीक है कोई बात नहीं, मेरे को जाना तो उधर ही है। अरे मेरे पास क्वार्ट्ज़ है ना, हाँ तो अपन लोग अपग्रेड करते हैं। मेरे को एक चीज़ दिखा नहीं वहाँ पे, अभी देख लेता हूँ मैं एक बार। ये चीज जब फाइट करने जाऊँगा वो क्या नाम है उसका, विक्टर ना क्या है उसके साथ, तब यूज करूँगा एमरजेंसी शॉट। अच्छा कैन बी यूज्ड व्हाइल डॉजिंग, इसका जैसे मैंने सारा खोल लिया।
सीट अटैक भी करता है। अच्छा, इसके लिए फेबल चार्ज यूज़ करना पड़ता है। फेबल चार्ज मतलब समझ रहा हो, एफ वाला, तभी होगा काम। लेट्स गो ग्राइंड आवरसेल्व्स सम। मार्केट से स्टार्ट करूँ क्या? नहीं, गैलरी से स्टार्ट करता हूँ। मार्केट में भी अच्छा है, लेकिन ठीक है, गैलरी आर्केड दोनों में ही आता है वो सब। आर्केड का तो उस जगह में तीन तीन बॉम्बर रहता है भाई, वहाँ पे बहुत फास्ट अटैक करना पड़ता है, नहीं तो अभी देखता हूँ। ठीक है, ये वाला एजिस पहली बार यूज करके देखता हूँ एनिमी के अगेंस्ट। धोखा दे दिया मेरे को एकदम सही टाइम पे। अगर मैं ब्लॉक नहीं करता हूँ तो ये होता है, समझे ना। अबे एकदम सही टाइम पे ब्लॉक होना चाहिए। जैसे मेरे को मूनस्टोन दे रहा है चूतिया साला, मूनस्टोन तो झाड़ भर का नहीं देता। मेरे को साला फुल मूनस्टोन भी चाहिए बड़े वाले सूट के लिए।
नीचे नहीं आया, ऊपर के नीचे आ गया। विश्वास ही नहीं करना मुझे, देख रहे हो? विक्टर को मारना उतना आसान तो होगा नहीं, अभी अपने पास थ्रोएबल तो है लेकिन जो है स्टोरेज में है, स्टोरेज से यहाँ you
भाई और एक हिट लगता ना तो मेरा वहां पर नाम सत्य हो जाता। इसे मार मार के भागना है इसको। सीधा दौड़ेगा नहीं तो राइट में दौड़ेगा, पीछे कभी नहीं दौड़ पाएगा। एकदम मैं ज़िगज़ैग तरीके से दौड़ रहा हूँ ना इसलिए। बहुत नहीं नहीं यहाँ पे स्पीड यूज करना है। ये मरता भी तो नहीं है भाई, जो थोड़ा सा हेल्थ बचा है इसका फिर भी नहीं मर रहा है साला। टैकल करना इतना ही आसान है जब हेल्थ का हालात ऐसा होगा ना तो हर गेम आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अपने को बचाना होता है। यहाँ पे तो वो मशीन आएगा ना, मशीन सबको मारने के लिए मेरे को कुछ सोचना पड़ेगा यार, मतलब बहुत तकलीफ देता है। आगे बढ़ूं कि पीछे बढ़ूं? ऐसे खेलना पड़ेगा ना तब तो, क्योंकि 8 हीलिंग खत्म
8 हीलिंग खत्म सिर्फ इतना जगह जाने में, तो विक्टर के सामने मेरा क्या हालत होगा? आई वाज थिंकिंग अबाउट इट दैट स्टोरेज में तो इन्फिनिट लाडा स्वैप कार्ट्रिज ये मिला ना हम लोगों को, ये वाला मिला कि एक तो अलग से मिला था कुछ 250 या फिर ऐसे कुछ, हाँ ये वाला मिला था। फिजिकल डैमेज रिडक्शन रेट वेट 19 है भाई, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, यानी F250 होगा ना, F150 F250 इसको घुसाता हूँ। इससे सिर्फ फिजिकल डैमेज कम होगा, ये सबसे तो एमुलेट है, ये कन्वर्टर है, स्टैट्स गंदे नहीं है मेरे, डिफेंसिव पार्ट्स में इसका देखो वेट 13 है और इसका वेट है 19, बढ़ रहा है ना बहुत, इसके ये यूज़ कर रहा हूँ मैं बेलफोर्ट सुपेरियर कोरोजन रेजिस्टेंस कन्वर्टर, और ये है बेल वर्कशॉप यूनियन स्टैंडर्ड इंसुलेशन कन्वर्टर, इसका वज़न कम है, फिजिकल डैमेज घटा रहा है मतलब बढ़ा रहा है, इससे भी कम है, जितना रिडक्शन होगा उससे यहाँ पे रिडक्शन होगा उससे यहाँ पे कम है, 5 कमियाँ हैं इसमें, एसिड रेजिस्टेंस भी कम है 49 to 126, 31 to 51 फायर रेजिस्टेंस, लेकिन ठीक है, एक बार इक्विप कर लेता हूँ, लेकिन इसमें ये मार्क क्यों आ रहा है वज़न कम के लिए, मैं कैन इन एनहांस रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक शॉक, अभी इलेक्ट्रिक शॉक वाला नहीं मेरे को चाहिए डीके वाला, भाई फाइट करूँगा तो पता चलेगा कि क्या रेजिस्ट करना है, यहाँ पे अपने पास ये वाला भी आ गया है लाडा शॉक कार्ट्रिज, इसका सब कुछ ज़्यादा है वजन से शुरू करके, देखो 76% हो गया वेट अभी, ये तो मैंने खरीदा था ना एक, 76% वेट है, एक या एक और दो में दोनों में वो वही वेपन रखता हूँ, ठीक है स्टार्टिंग तो यूज़ करना ही है, स्टोरेज में जाके इसको हटा देता हूँ, फिर भी हैवी है भाई, स्लाइटली हैवी आ रहा है,
उसका भी मैं गांड मारूंगा। मेरे को एजी उतना अच्छे से यूज करना नहीं आता, तो एजी हटा दूंगा ठीक है। इसको मारूंगा ना अभी। आजा आजा मशीन मशीन, अरे मशीन इधर है। अच्छा ये बार बार आएगा, ठीक है कोई बात नहीं। साला मरते मरते मेरे को भी डैमेज देके चला गया। चल जाता हूँ मैं यार, लेकिन बार बार मैं अपना थ्रोबल्स यूज नहीं कर सकता भाई। थ्रोबल्स बचाने के लिए मेरे को चेंज करना पड़ेगा लीजन अब, नहीं तो सारा थ्रोबल्स यहीं पे खत्म हो जाएगा इस तीनों को मरने के चक्कर में। अरे रुको बहन चलो, अभी तो आया हूँ सोड लेके, इसकी अम्मा नहीं चुनूंगा मैं, उनको क्या लगता है। इजाजत कौन दिया उनको इधर उधर भागने का, इजाजत किसने दिया? किसी ने नहीं, तो भाग क्यों रहे?
यहाँ पे और एक आता था ना, वो नहीं आया इसमें। कितना मिला इससे? 106। खराब नहीं है, 106 ठीक ठाक है। सबको हजार हजार दे सकता था अरगो। हजार अरगो क्या है भाई, 1000 अरगो इज नथिंग, बिलीव मी इट्स नथिंग, 1000 अरगो इज नथिंग। ओह व्हाई एम आई वॉकिंग लाइक दिस। लेट्स गो टू होटल, it's upgrade one time, एक बार अपडेट करने में 30 मिनट लग गया भाई। मेरे को लग रहा है 4 वीडियो लगेगा, एटलीस्ट 4 वीडियोज आई विल नीड बिफोर आई कैन गो विद फकिंग टर। बढ़ा लेता हूँ अभी फिलहाल तो, रोटी वोटी बढ़ाता हूँ अभी। सोलह हजार एक, 10,000 चाहिए ना, कर लेंगे क्या है। एटलीस्ट 3 अपग्रेड हो सके ऐसे होना चाहिए एक वीडियो मेरे हिसाब से। अभी देखो इतना ग्राइंडिंग कोई नहीं दिखाता है, ठीक है, और मैं ऐसा नहीं हूँ कि 100 लेवल तक ग्राइंड करूँगा भाई। उसमें मतलब कितना, 1.5 मिलियन अरबो लगता है, 1.5 मिलियन अरबो 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 नहीं अरबो अरबो 1.5 मिलियन जमाने के लिए मेरे को ना पापड़ बेलना पड़ेगा, तुम समझ रहे हो। बहुत ज्यादा उछल रहा है हमारे में, और इसने मेरे को तब मारा था ना पहले। रुक तू, रुक बेटी चल रुक, तेरे को तो मैं अलग से दूंगा। अरे फिर मैं ली जाना नंबर, आजा आजा आजा। जैसे खुद अंडा की तरह दिखता है साला, देता भी है अरगो अंडा की तरह।
करने का इसको मौका ही नहीं मिला। मैं एक काम करता हूँ, अपना निजा नाम चेंज करना ही भूल गया मैं, इतना बड़ा मंडू हुआ यार। नाम चेंज करने से कुछ नहीं होगा, मेरे को गोल ट्री तक जाना पड़ेगा। जब तक मैं फाइट करने नहीं जा रहा विक्टर के साथ, तब तक मेरे को ये वाला लीजा नाम बहुत बहुत काम आएगा, जो दूर से अटैक कर सकता है, क्योंकि हर कोई को मैं सामने से अटैक नहीं कर पाऊंगा। गोल्ड ट्री में जाके पहले लीजन कैलिबर को रीसेट करना पड़ेगा, इसमें गोल्ड लगता है भाई, मेरे पास 45 गोल्ड है। पहले गोल्ड ले लेता हूँ फिर रीसेट करता हूँ, और एक बार चेक भी कर देता हूँ कि नया बॉस को हराने के बाद इसके पास कुछ नया आया भी कि नहीं, एक बार कर लेता हूँ। पहले 6 आ गया था, 6 ले लेता हूँ, हो गया मेरा 45 से 51। अभी मैं जब रीसेट करने जाऊँगा, रीसेट लीजिए नाम, तो मेरे को 5 चाहिए, देख रहे हैं। फिर से मेरा 45 46 हो गया, मेरे को 100% लगता है कि इसके पास वही सब चीज़ है जो पहले था। नया Stalker, please. If you pick some gold coin fruit for me, I'll give you a reward. Stalker, please. आराम का कुछ नहीं है, ये सला सब स्पेक्टर का ही दे रहा है, सब स्पेक्टर का है, स्पेशल मटेरियल्स छोड़ के ये तो मेरे पास है। अच्छा ये भी नहीं, यहाँ से शायद हाँ स्पेक्टर इच भी यहाँ से स्टार्ट होगा। केबल चार्ज ऑन फॉर सेपरेट ऑफ टाइम, अच्छा ये सब स्पेक्टर का है। अभी मेरे को लीजा नाम बनाना है, मतलब क्राफ्ट तो किया हुआ है उसमें, सिर्फ लीजन कैलिबर डाल के अभी एजिस नहीं लूँगा, एजिस एक बार बन चुका है, उसका अभी मेरे को ज़रूरत पड़ेगा बाद में। मजा आएगा ना वीरू, ये भी अच्छा है। मजा आ रहा है ना अभी,
अभी देखो उसको, इसका मजा देखो अभी। कैसा लग रहा है बेटी चू? अच्छा ऐसी बात है, गोल गोल घूम के मार रहा है, गोल गोल घूमता है, गोल गोल घूमता है साला, उसकी माँ को गोल गोल घुमा हुआ मादर चोद। गोल गोल घुमाता है मेरे को चूती है, ये तो फटेगा है ना, ये फटता है इसलिए कुछ मिलता भी नहीं है इससे, ये बस फटता है। मेरे को फट, मेरे को भी फटा था पैसे एकदम पहली बार, मेरे को याद है तब से याद है, यहीं से फटता है। शायद डैमेज्ड है, उसको मारने से और 700 मिलता है उसको मारने से और घूमने वाले को मारने से, तो मैं उतना दूर क्यों जाऊँ है ना, जब यहीं पे मेरे को इतना मिल जा रहा है जल्दी से तो यहीं पे लूँगा। 170 यहाँ पे 340 भी जा रहे हैं, यहाँ पे 3 है, ये थ्रोइंग सेल भाई बाद में बहुत काम आएगा। अच्छा बेटी चोद
घुमा चक्का घुमा चक्का घुमा चक्का घुमा, नहीं तो मैं मार के दूंगा तेरी बहन। चक्का घुमाता है साला, चक्का हरामी, चक्का चक्केबाज। बस यही जगह पर बात कर रहा था मैं, बस इतना। मैं फिर से आपको काउंट करके दिखाता हूँ, आई विल जस्ट शो यू अगेन दैट हाउ फास्ट यू कैन ग्राइंड अर्गो। आई हैव 12,912 मोर, लेट मी शो यू। चला गया खत्म। तो गार्ड लेके बैठा होता लेकिन रोक नहीं पाया। चढ़ जाता है तो स्टार्ट से चलते हैं। लोडिंग टाइम पे चेंज भी नहीं होता है। अच्छा एक सेकंड, मेरे पास एक क्वार्ट्ज है ना, क्वार्ट्ज को काम में लगाओ यार। क्वार्ट्ज पड़ा हुआ है सोचो, यूज नहीं कर रहा। तो इसमें शायद दो क्वार्ट्ज मिलता है चैप्टर 7 में, और मेरे को 100% लगता है कि विक्टर को मारने के बाद क्वार्ट्ज मिलेगा।
सीधा चैप्टर 8 में। चाहिए मेरे को फेस फोन में घुसने के लिए, फेस फोन में घुसूंगा तभी शायद। और एक यहाँ पे तो इसने यहाँ पे मैंने यूज़ ही नहीं किया है, यहाँ पे भी इसने इसमें यूज़ ही नहीं किया विस्टोन वाला में। चेंज होता है भाई, और कुछ नहीं होता है। शॉर्ट हेयर रख लेता हूँ, शॉर्ट हेयर भी अच्छा लग रहा है। इसमें जो पहना हुआ हूँ मैं उससे दिखाई देता है एटलीस्ट, कुछ पहना हुआ हूँ सर पे मुझे तो लगता है सर टोपी बाल सब सेम ही है उधर, तो वो भी ठीक लग रहा है ना, साफ 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 सुथरा। मैं खुद साफ सुथरा नहीं रहता, मेरे कैरेक्टर को साफ सुथरा रखने का कोशिश करता हूँ। अच्छा फेवल आ गया और एक बार आ गया उसमें, ऐसे तो बढ़ाना होगा भाई। और मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया, चैप्टर 6 में भी दिखाया कि कहाँ पे ग्राइंडिंग, और वो ग्राइंडिंग बहुत इजी होता है। वो सब जगह पे जाओ ग्राइंड करते रहो, जितना मर्जी ग्राइंड करते रहो, जब आपको टाइम मतलब जब आपको लगे कि हाँ मैं रेडी हूँ अभी अभी एक हिट में मार दूँगा जाओ फिर। क्योंकि मैंने देखा है भाई प्लेयर्स जो लोग ऑब्सेस्ड थे इस गेम को लेके, वो लोग करते हैं लेवल 100। और लेवल 100 करने के बाद बिलीव नहीं करोगे, किसी एक का मैंने वीडियो देखा था, वो भी यूट्यूबर है, तो उसने 2 हिट में मार दिया। वो लास्ट में आता है मेरा स्टैमिना खत्म हो गया था, स्टैमिना वाला लगा लूँगा ठीक है।
छूट दे दो तो सब अपने आप को साला 30 मार के सोचते हैं समझते हैं सर। देके रखा है इसको छोड़ा था खेलना कैथेड्रल फिर से मेरे को कैथेड्रल का याद दिला रही है कभी कभी थोड़ा बहुत देर था मोटा मोटा है बात लेकिन भाई क्या जरूरत है तुम फाइट को ऐड कर दो टाइम हो टाइम भी हो गया चलो जितना हो सके करता हूँ ठीक है एंटीसिपेट करेगा तू Yeah.
700 देता है ना, 700 लेने का थोड़ी है। चलो फिर वीडियो को ख़त्म करने का टाइम हो गया है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। और अगर और 5 मिनट की अगर मैं ग्राइंड कर लेता हूँ तो शायद हो जाएगा, एक अपडेट का हो जाएगा। ऐसे दौड़ के आ सकता है ये तो मैंने पहली बार देख रहा हूँ। कहाँ छुपा के रखता है इतना टैलेंट। मारू इसको मैं, इसको तो मैं पूछेंगे, डिस्टर्ब करेंगे तो घंटा कुछ खेल पाऊंगा मैं। कुछ नहीं है भाई इस गेम में, कुछ नहीं है।
तो मेरे को देख लिया ना। See you soon. Have a good day. Take care. We'll be back with more exciting videos. And until then, stay tuned. Have a good day. Ciao.